रोटरी क्लब ऑफ नागपुर की ओर से पत्र परिषद का आयोजन कर रोटरी क्लब के तत्वावधान में सफलतापूर्वक की गई परियोजनाओं की जानकारी पत्र परिषद में साझा की गई। हमारा प्रमुख प्रोजेक्ट हेमलकसा में बाबा अम्टे के लोक बिरादरी प्रकल्प में एक 3 दिवसीय सर्जिकल शिविर है। इसके साथ ही साथ हम बच्चों के लिए कई गैर चिकित्सीय गतिविधियों भी करते हैं, जैसे उत्सव और खेल। ये हम पिछले 35 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं और रोटेरियन के लिए यह एक तीर्थ यात्रा की तरह है। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना अनेजा हार्ट हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित वॉक यान है, जिसे रेसर द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसकी आय विभिन्न चिकित्सा और गैर चिकित्सा धर्मार्थ संगठनों को जाती है। उड़ान हर साल वैलेंटाइन डे पर आयोजित होने वाले रोटरी के सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें नागपुर और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों के 800 से अधिक विशेष रूप से सक्षम बच्चे भाग लेते हैं। होटल सेंटर पॉइंट द्वारा नाश्ते और दोपहर के भोजन के साथ पूरे दिन खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के साथ साथ इस वर्ष हम नवीन विचारों को क्रियान्वित करने और उन्हें क्रियान्वित करने की योजना बना रहे हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अपना काम बढ़ाने के लिए हम मेलघाट में बच्चों और वयस्कों के लिए सर्जिकल शिविर लगाने की योजना बना रहे हैं। चूंकि मेलघाट में बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए हम पोषण संबंधी परियोजनाएं संचालित करने की योजना बना रहे हैं। पूरे गांव से दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ सर्जिस करते हैं हम लोग जाके, तो वो तो हो रहा है। वैसा ही मेलघाट में इस साल से शुरू करने का विचार है, और वो भी ज्यादा करके पहला बच्चों का, छोटे बच्चों की सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी को कहलाती है। एक कैंप पेडियाट्रिक सर्जरी का मेन हो, उसके साथ साथ एक जनरल सर्जरी का कैंप, ये हम लोग वापस शुरू करना चाहते हैं। कुछ सालों पहले होता था, फिर अभी कुछ रीजन से बंद हो गया था, वो वापस शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हम वहाँ पर काम करना चाहते हैं मैल न्यूट्रिशन पे। आप लोगों को तो सब पता ही होगा कि उस एरिया में फूड में कुछ इतनी कमी है कि उधर बच्चों को बहुत बीमारियाँ होती हैं मैल न्यूट्रिशन के कारण। तो हम जो अपना न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट है, हम वो वहाँ पर करना चाहते हैं। मैल रहा है और आप सबका साथ रहा है, सिर्फ इस समय एक बार वापस से सब जुड़ने के हिसाब से हमने सबको बुलाया है कि आप लोग के साथ अगले इस साल में हम क्या करना चाहते हैं, क्या अलग करना चाहते हैं, वो बताने के हिसाब से। वैसे तो आप सबको पता होगा कि हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हिमल का मरीन बस्तियों में महिलाओं और युवाओं के लिए कैंसर निदान शिविर। कैंसर निदान शिविर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जिन्हें तंबाकू खाने की आदत है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ शिदिजा देशमुख की रिपोर्ट।